हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में। देखिए दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में आपसे इसलिए हम बात कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर अभी तक इसमें जो है सस्पेंस बना के रखें, मतलब इसको अभी किस प्राइस पे बाइंग करना चाहिए वो अभी तक यही सोच रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहिए, देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है मतलब कि थोड़ा स्लो चलने वाला स्टॉक है, लेकिन और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके फंडामेंटल सारा कुछ इसका जो कि स्ट्रांग है, लेकिन आज के दिन जो है कि इसमें गिरावट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहिए, देखिए जो मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होने के कारण क्या है, पूरा FMCG मतलब कि आपसे बताना चाहते हैं आज के दिन पूरा FMCG मतलब कि थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं, फिर भी जो है कि नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। ऐसे में दोस्तों सब कुछ सारा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे करना क्या चाहिए, लेकिन एक देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि देखिए हिलेगा तो मिलेगा का जो रूल्स है अपना जो है कि इसमें भी जो है कि टाटा कंज्यूमर जो है कि एकदम फिट बैठता है। चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कितना परसेंट अपने को कितने टाइम में रिटर्न मिलेगा। चलिए दोस्तों फटाफट हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों हम आ गए टाटा कंज्यूमर के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे, देखिए 71,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, 775 रुपये करंट प्राइस चल रहा है इनका जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 900 के लेवल को बीच में स्टॉक ने जो है कि टच करने की कोशिश की थी, 614 रुपये इनका लो है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहिए, देखिए इस प्राइस को जो है कि स्टॉक जो है कभी भी टच कर सकता है, मतलब क्या है कि इस स्टॉक की खासियत क्या है कि कभी भी 30-40 पॉइंट्स के हिसाब से जो है कि ये जो है कि डाउन अप और डाउन दोनों चलता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं जिनको भी शॉर्ट टाइम में पैसा कमाना है इस स्टॉक को चुन सकते हैं। अच्छा देखिए इनका जो पी है जो कि 73 के आसपास है, बुक वैल्यू का है, डिविडेंड भी कंपनी कुछ पे करती है, जो कि देखिए अपना इतना फोकस नहीं होना चाहिए, इतना एक खास डिविडेंड पे नहीं करते। देखिए आरओसी आरओई जो है इनका मतलब इतना कुछ खास नहीं, फिर भी ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, देखिए हम इस पे इतना बिलीव नहीं करते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना था, देखिए ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ हमेशा कभी भी फेड से रिलेटेड कभी भी कोविड से रिलेटेड किसी न किसी बेस पे जो है कि न्यूज आती रहती है, जिसकी वजह से जो है कि यहाँ वॉलेटाइल बना रहता है। देखिए दोस्तों कंपनी का जो है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिला, जहाँ पे सेल्स थोड़ा डाउन है, उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका थोड़ा डाउन है। चलिए नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं, देखिए नेट प्रॉफिट भी उसी रेंज में है, मतलब आपसे बताना चाहते नेट प्रॉफिट भी डाउन है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में हम आपसे बताना चाहते कोई भी स्टॉक मतलब आपने देखा किसी का क्वार्टरली रिजल्ट आपने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब हम इतने कि ये बहुत बड़ी कंपनी है और जो कि इनसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो है कि ओवर एक्सपेक्ट रखते हैं, इसलिए जो है कि इसमें कोई भी निगेटिव न्यूज़ आती है या निगेटिव थोड़ा सा सेंटीमेंट होता है इसका तो स्टॉक जो है कि अपने आप जो है ट्रेड करता है। ट्रेड मतलब कि यहाँ पे थोड़ा वैल्यूम ज़्यादा है, इसलिए चाहे तो आप इसमें थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए 10-15% रिटर्न निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे हर प्रकार से कंपनी का सेल्स बढ़ते ही जा रहा है। उसके बाद देखिए इस बार जो है कि 12,000 करोड़ को भी टच कर गई। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम उसी रेंज में मतलब 1700 के लेवल को भी टच किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी इनका देख सकते हैं 1,000 के 950 के आसपास जो है कि जाता। देखिए दोस्तों जो है कि इनका रिजर्व ग्रोइंग मोड में है, जो कि हम पॉजिटिव साइन मिलेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोरिंग जो है इनका जो है कि डाउन ट्रेंड में है, मतलब इसको हम भी जो है कि इसको भी देखिए दोनों पॉजिटिव साइन में ही हम वे में जो है कि जाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों इनका भी मैनेजमेंट कितना अच्छा है मतलब आपसे बताना चाहते, देखिए जहाँ पे हर क्वार्टर में उन्होंने माल को जो है कि सेल मतलब आपसे बताना चाहते, देखिए इस क्वार्टर में जो है कि उन्होंने मेंटेन रखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे जो है FI सारे शेयर में सेलिंग किया है, लेकिन यहाँ पे जो है 25% के ऊपर ही स्टेक आज भी होल्ड करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए DI ने यहाँ पे जो है कि जम के माल एक्युमुलेट किया, मतलब आपसे बताना चाहते हैं कि 670 के आसपास उन्होंने जो कि बाइंग किया, 670 मतलब उन्होंने पर भी बाइंग किया होगा। देखिए पब्लिक ने भी जो है कि माल को सेम ही रखा है, मतलब आपसे कहना चाहते देखिए इसमें पब्लिक थोड़ा परेशान है। परेशान होने का मतलब क्या है कि पब्लिक को जो है कि कुछ भागते हुए शेयर मतलब चाहिए, उनको जो है कि अच्छा खासा जो भागे उसमें वहाँ बाइंग कर लेते हैं, फिर वो नीचे आ जाता है, फिर रोना चालू कर देते हैं। मतलब यही बात है कि जो है यहाँ पे उन्होंने इनको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए और सेलिंग करना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ये जाएंगे ऐसे स्टॉक में जो ऑलरेडी भाग चुका होगा या ऑलरेडी वो गिर चुका होगा। चलिए दोस्तों हम आगे कंपनी के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर जो है कि देखिए आपसे बताना चाहते हैं कंपनी जो है आज 3.5-3.5% के आसपास जो है कि डाउन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, देखिए एक वीक का देख लेते हैं इनका, एक वीक में जो है कंपनी अभी तक जो है कि 4% के आसपास देख सकते हैं आप डाउन हो चुकी है। दूसरा मतलब कि एक वीक में ये मतलब कि 850 के ऊपर जो है कंपनी ट्रेड कर रही थी। उसके बाद देखिए एक महीने का देख लेते हैं, एक महीने में देखिए दोस्तों जो है कंपनी 3-4% वही सेम रेंज है, मतलब वही इनका जो है हाई लो चल रहा है। लेकिन हाँ यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, मतलब 4-5% चाहे तो आप एक महीने में भी इन पर निकाल सकते हैं। मतलब ये 3 महीने का देख लेते हैं एक बार, देखिए 3 महीने में कंपनी का रिटर्न जो है कि चेंज है, मतलब 5% के आसपास है हाई इनका था। जिन्होंने अगर 659 रुपये बाइंग किया होता वो आज वो भी मतलब खुश रहते, इतना ही समझ लीजिए। 6 महीने का एक बार देख लेते हैं, 6 महीने देखिए कंपनी 6% डाउन है। उसके बाद देखिए 852 का इनका हाई है, जो कि 669 रुपये का ही लो है। एक साल का एक बार देख लेते हैं,
एक साल में देखिए कंपनी का कहानी चेंज है, मतलब 20% के आसपास जो है कि अपने को रिटर्न बना के दे रही। मतलब आपसे बताना चाहते, देखिए कंपनी का हाई जो है कि यहाँ 889 का है, लो जो है 614 रुपये का। जिन्होंने अभी तक बाइंग किया होगा वो 614 रुपये पे आज तो खुश होंगे। 5 साल में देखिए दोस्तों कंपनी ने जो है 400% के ऊपर रिटर्न बना के दिया है। मतलब आपसे बताना चाहते, 5 साल पहले कंपनी का जो प्राइस चल रहा था वो 141 रुपये था, लेकिन हाँ यहाँ पे हम आपको बताना चाहते, देखिए क्या कंपनी यहाँ पे क्या है, डाउन नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी डाउन नहीं है, यहाँ पे डाउन नहीं, यहाँ पे डाउन नहीं, यहाँ पे डाउन नहीं। देखिए यहाँ पे अप्स एंड डाउन चलता ही रहता है। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, अच्छा स्टॉक है, जिनके पास भी होल्ड कर लें, जिनको अभी बाइंग करना है वो चाहे तो अभी इक्का दुक्का स्टॉक उठाते रहें। चलिए एनलिस्ट की बात कुछ देख लेते हैं, एनलिस्ट क्या बोल रहे हैं। देखिए इसमें जो है कि 20 एनलिस्ट हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 जो है कि स्ट्रॉन्ग बाई रिकमेंडेशन दे रहे हैं। दूसरा बाई दो जो दूसरे नौ माफ करना 9 जो है कि इसमें बाई की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 3 होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, 1 जो है कि सेल करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहते, देखिए यहाँ जो है कि ICICI डायरेक्ट ने जो है कि इनको इनका जो बाइंग टारगेट है जो 925 रुपये रखा है 5 मई को, हम आपको बताना चाहते, देखिए आज ही के दिन जो है कि, और दूसरा कोटक महिंद्रा माफ करना कोटक सिक्योरिटी ने जो है कि 29 अप्रैल को इनका 840 रुपये। मतलब आपसे बताना चाहते हैं जिन्हों जो अभी भी बाइंग करेंगे वो अच्छा खासा इसमें रिटर्न निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों कंपनी के फोकास्ट को भी जान लेते हैं। देखिए फोकास्ट पे आ गए हम, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना है। मतलब देखिए इनका जो हायर साइड में, मतलब एक साल बाद आपको 1030 रुपये का, मतलब 32% के आसपास जो है कि हाई लेवल पे मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मीडियम में जाएंगे तो 840, मतलब 9 से 10%, जैसा कि हमने आपको बोला, आप चाहे तो इसमें रिटर्न निकाल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 680 रुपये मुझे तो नहीं लगता आएगा, लेकिन इससे मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। देखिए 12-13% डाउन ट्रेंड में, देखिए हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप इस प्राइस का जो है कि आप वेट करें, लेकिन इतना ही कहना चाहते, देखिए ये अप्स एंड डाउन के साथ मार्केट चलेगा जो है कि आपको हर समय कमाने का मौका है, आप चाहे तो कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों कंपनी का कुछ टेक्निकल एनालिसिस को भी देख लेते हैं। देखिए जो इनका प्यूट लेवल है जो आपसे बताना चाहते, देखिए 807 का जो है सपोर्ट लेवल है। दूसरा जो है माफ करना रेजिस्टेंस, फर्स्ट जो है 807 का है, सेकंड जो है 825 का है, थर्ड जो है कि 850 के ऊपर का है। दूसरा आपसे बताना चाहते सपोर्ट लेवल जो इनका 775 का है, उसके बाद 761 का है, फिर तीसरा जो है 728 का है। लेकिन आपसे बताना चाहते, देखिए ये वाला सपोर्ट लेवल तो टूट गया है, मतलब अब इसका इंतजार है, मतलब 761 वाले का इंतजार है, फिर 728 वाला भी आ सकता है। देखिए आएगा कि नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं, देखिए जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं किया है, आप चाहे तो 750 से जो है कि आप बाइंग करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो है कि 740 या 700 तक आप इसमें बल्क बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे इतना ही कहना चाहते, देखिए इसमें हाई वॉलेटाइल है, आप इसके लिए प्रिपेयर रहना, तैयार रहना। हम आपसे बताना चाहते, देखिए जो है कि अपना टॉपिक ही यही है, टॉपिक होने का मतलब क्या है कि ऐसे स्टॉक को ही पिक करना रहता है। जैसे अभी मान लीजिए आपने 780 रुपये पर आपने बाइंग कर लिया, 770 बाइंग कर लिया, कल की जो है स्टॉक 700 पे आ गया, तो क्या है आपको बेच के थोड़ी निकल जाना है, आपको जो है कि और इसको ओरिजिन करना है। ओरिजिन करने का मतलब क्या है कि अपना हिलेगा तो मिलेगा का टॉपिक यही है कि देखिए बहुत हाई वॉलेटाइल वाला स्टॉक ही अपने को चाहिए जो कि जहाँ पे अपने को रिटर्न निकाला जा सके। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।